Hello student, myself Chetna Gaur. May we all are fine. Welcome to all in my Hindi session. In this session, we will complete our all exercise. So, pay more attention, listen properly and write your all exercise in your notebook. So, let us start our lesson. This is the exercise of chapter 2, Varna Vichara of Rachana Prasun. First of all, we will understand once, then you all must write in your notebook and write properly your all answers and with your good handwriting. Okay, now start. Your first question is fill up. Rikt sthan bharkar baki pure kijiye. का फर्स्ट पार्ट का है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप डैश कहलाता है. अब बताइए क्या कहलाता है. ये हमने बात बड़े ध्यान से समझी थी. वर्ण कहलाता है. ओके नेक्स्ट सेकंड ख स्वरों के डैश भेद होते हैं. स्वरों के कितने भेद होते हैं. तीन भेद होते हैं. वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या डैश होती है. वर्णमाला में कितनी होती है. सबसे पहले बताइए स्वर कितने होते हैं. स्वर 11 होते हैं. ओके और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं. 4. तो बचे हुए दीर्घ स्वर कितने हुए. 7. नेक्स्ट स्पर्श व्यंजनों के डैश वर्ग होते हैं. स्पर्श व्यंजन संख्या में कितने होते हैं. 25. और हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं. तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई. 5. स्पर्श व्यंजनों के वर्गों की संख्या 5. नेक्स्ट श स स तथा ह व्यंजन कौन से हैं. कौन से व्यंजन है. ये ऊष्म व्यंजन. जिन शब्दों के उच्चारण के समय मुख से ऊष्मा निकलती हो अर्थात हल्की गर्माहट महसूस होती हो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट च दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन कहलाते हैं. अब देखिए जब दो को जोड़ दिया तो क्या हुआ वो संयुक्त हो गए. एक से साथ दूसरा जुड़ गया तो वह कौन से व्यंजन कहलाएंगे. संयुक्त व्यंजन. नेक्स्ट है निर्देश अनुसार तीन तीन शब्द लिखिए. चंद्रबिंदु लगाकर आंख दांत पांच. शायद आपने पढ़े भी होंगे. इसमें हम कोई भी चंद्रबिंदु वाला अक्षर लिख सकते हैं. ये कोई कंपल्सरी नहीं कि जो हमने बोले जी वही आपको लिखना है. नेक्स्ट सेकंड अनुस्वार लगाकर शब्द बंदर डंडा अंडा. ओके नेक्स्ट विसर्ग लगाकर अतः प्रातः पुनः. नेक्स्ट है स्वरों के सामने उनकी मात्राएं लिखिए. अब ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे आ की मात्रा कैसी दिखती है. ई की मात्रा कैसी दिखती है. बड़ी की मात्रा कैसी दिखती है. ऊ और औ की मात्रा कैसी लगती है. रैसे ऋषि की कौन सी मात्रा होती है. ए की मात्रा कौन सी होती है. आई की मात्रा कौन सी होती है. ओ की मात्रा कौन सी है और औ की मात्रा कौन सी है. ओके चलिए हम इन्हें अभी आगे फिल करेंगे तब आप ध्यान से देखकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले हम ओरली अपनी एक्सरसाइज को समझ रहे हैं. नेक्स्ट निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों वाले दो दो शब्द लिखिए. अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं. छ त्रय गय और शैशमिक. ये चार है. अब इनसे बनने वाला आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं. क्षमा क्षत्रिय पक्ष विपक्ष. अब त्रय लीजिए त्रिशूल त्रिकोण. गय से ज्ञान ज्ञानी विज्ञान आदि. नेक्स्ट श्रीमती श्रमिक श्रम श्रमदान. अब कोई भी वर्ड जो आपको इजी लगता है आप उसे वहां फिल कर सकते हैं और नहीं तो आप सामने एक्सरसाइज देखिए फिल करते जाइए जो मैंने लिखा हुआ है सामने. नेक्स्ट वर्णों का क्रमवार रूप क्या कहलाता है. वर्णों का क्रमवार रूप वर्णमाला कहलाता है. ए ई उ तथा ऋषि है. ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर या अयोगवा. ये होते हैं ह्रस्व स्वर क्योंकि दीर्घ स्वर कितने हैं. 7 और ह्रस्व छोटे स्वर है 4. वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11. य
र ल व। ये कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन? ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन। ओके, चलिए अब हम ध्यान से देखकर अपनी एक्सरसाइज फिल करेंगे। अभी यहाँ चलिए एक क्वेश्चन और है, आप इसके मूल रूप और इसके दो दो सब भरने हैं आपको यहाँ पर। किस प्रकार से? जैसे आपका ई एग्जाम्पल में दिया है इमारत और इधर दे दिया, मतलब ये इसमें वर्ड जो हमारा स्वर है इस स्वर से ही आपका नया शब्द शुरू हो रहा है। और दूसरी वाला जो कॉलम है उसमें आ गया आपको इन्हीं शब्दों से जो आपके ये वर्ण दिए हुए हैं ई ए ओ आओ ऋषि, इनकी मात्राओं को प्रयोग कर नया शब्द बनाना है। अब जैसे आगे दिया हुआ किरण और किताब, अब आगे इधर देखिए ए से एडी वाले शब्द कैसे लिखेंगे, जैसे ऐनक ऐरावत। आगे मात्रा वाला देखिए तो मैला बैल, ओ का देखिए ओम ओखली, और इसकी मात्रा का शब्द भोजन कोमल। आगे औ की मात्रा को देखो औरत औजार। अगला कौवा नौका, मीन्स आपका पहले वर्ड यूज करना है जो आपका ये वर्ण है इसी को प्रयोग कर आपको शब्द लिखना है, और अगले दो कॉलम में आपको इसका मात्रा का प्रयोग करते हुए वर्ण बनाना है। नेक्स्ट है ऋषि ऋतु, अब आगे इसकी मात्रा को लगाना है तो वृक्ष मृग तृण आदि। नेक्स्ट है बर्फवेली, अब आप अपने आप देखेंगे इसमें आप सर्कल्स बनाएंगे वर्ड्स पर और शब्द को ढूंढेंगे, मैं आपको वर्ण बता देती हूँ आप अपने आप सर्कल करेंगे अपनी बुक में। ज्ञानी त्रिकोण मित्र क्षमा श्रमिक और कक्षा, आप अपने आप फिल करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए अभी हमने एक बार ओरली अपनी पूरी एक्सरसाइज को पढ़ा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पूरी एक्सरसाइज के आंसर सहित जो सामने लिखी हुई है आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, और अगर बुक आपके पास है तो आप बुक में फिल करेंगे। ओके, नाउ नाउ स्टार्ट योर एक्सरसाइज, मैं रीड करती जाऊंगी और आप आंसर्स कंप्लीट करके फिल करते जाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। इन दिस सेंटेंस योर आंसर इज वर्ण। स्वरों के तीन भेद हैं, वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। स्पर्श व्यंजनों के डैश वर्ग हैं, श स स तथा ह डैश व्यंजन हैं। दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट निर्देश अनुसार तीन तीन शब्द लिखिए। अब पहले में हमें चंद्रबिंदु लगाकर लिखने हैं, दूसरे ख में हमें अनुस्वार लगाने हैं, और ग वाले क्वेश्चन में हमें विसर्ग लगाने हैं। चलिए पहला देखते हैं, चांद आंख और पांच। नेक्स्ट बंदर डंडा अंडा। नेक्स्ट है आता है प्रातः है पुनः। अब आइए जो स्वर दिए हुए हैं इनकी मात्राओं को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में स्वर और मात्रा दो कॉलम लिखे हुए हैं, इसी प्रकार आप भी बनाकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और बुक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपकी मात्रा देखिए किस प्रकार लग रही है, यहाँ सामने से जिस प्रकार मात्राएं लगी हुई हैं इसी प्रकार आप फिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों वाले दो दो शब्द लिखिए। अब सबसे पहले छत्रिय, तो इसके दो वर्ड हो गए क्षमा और क्षत्रिय। नेक्स्ट है त्रय त्रिशूल और त्रिकोण। नेक्स्ट है ज्ञा ज्ञान ज्ञानी। नेक्स्ट श्रेय का श्रीमती और श्रम, आप और भी कोई वर्ड लिख सकते हैं, जैसे श्रम है तो श्रम का श्रमिक कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट वर्ड, सही के सामने सही का निशान लगाइए। वर्णों का क्रमवार रूप कहलाता है वर्णमाला। ए ई ऊ तथा ऋषि है हर्ष्व स्वर, वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। य र ल व कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। चलिए अब आगे रचनात्मक गतिविधि करते हैं।
इसमें क्या दिया हुआ है, वर्ण दिया हुआ है, उसी वर्ण का मूल रूप में लिखना है और मात्रा रूप में लिखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे तैसा ही हमें दूसरे को भी करना है। अ से ऐनक और ऐरावत, अब इसकी मात्रा को यूज करेंगे तो मैला और बैल। नेक्स्ट ओम ओखली और इसका आंसर भोजन कोमल। नेक्स्ट ओ का औरत औजार। नेक्स्ट कौआ नौका। अब री का देखिए, ऋषि और ऋतु और मात्रा रूप में वृक्ष और मृग। अब आइए नेक्स्ट वर्ग पहेली से संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। अब देखिए यहाँ ये सारे के सारे वर्ड मैंने किए हुए हैं, फिर आप इसे देखेंगे और सामने लिख देंगे। ओके, मे बी अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। ज्ञानी श्रमिक कक्षा त्रिकोण मित्र और क्षमा। अब देखिए मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी परेशानी एक्सरसाइज को फिल करने में होगी। बहुत ध्यान से पूरी एक्सरसाइज को देखें और कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर टुडे सेशन। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। वी सेफ वी हैप्पी।